डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने बताया कि कांगड़ा शिमला कुल्लू मंडी में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या एहतियाती कदम उठाए जाते हैं इसको लेकर सरकार द्वारा कुछ निर्णय लिए गए हैं। लिखित तौर पर फैसले आने पर जो भी कार्य करने होंगे, जो भी रणनीति बनाने की जरूरत होगी वो सब किया जाएगा। अब स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद करने की बात सरकार की ओर से कही गई है, ऐसे में हमारा प्रयास रहेगा कि स्कूलों को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाए। स्कूल प्रबंधकों से यही अपील रहेगी कि 31 दिसंबर तक कोई कोताही ना बरतें और बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ ना किया जाए। बॉर्डर पर आगामी दिनों में इस तरह से व्यवस्था की जाएगी कि बिना मास्क आने वालों को किस तरह से वापस भेजा जाए या चालान किया जाए या जुर्माना लगाया जाए। जो भी सरकार का निर्णय होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ओर से रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने की बात कही गई है, इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। इस दौरान आवश्यक सेवाओं सहित शादियों को लेकर क्या सिस्टम होगा, किस तरह से परमिट मिलेंगे इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसको लेकर एसपी कांगड़ा और सीएमओ कांगड़ा से बैठक की जाएगी। जिला कांगड़ा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हर दिन 50 से 100 के लगभग लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और 15 से 16 हजार के लगभग टेस्टिंग की जा रही है। सेकंड वेव जिला में चल रही है, लोगों से यही अपील है कि अपना ख्याल रखें और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उनकी अनुपालना करें। आने वाले दिनों में बाजारों की रूटीन चेकिंग की जाएगी और शादियों पर भी चेक रखा जाएगा। सरकार की ओर से जो भी गाइडलाइन आएगी उसे किस तरह से धरातल पर उतारा जाए इस पर कार्य किया जाएगा। आप अगर देख रहे हो तो कांगड़ा में, मंडी में, कुल्लू में और शिमला में जो लगातार है मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या एहतियाती कदम उठाया जा सकता था उसके ऊपर कुछ फैसला सरकार के द्वारा आज लिया गया है। लिखित तौर में अभी ये जो फैसले हैं वो जारी नहीं किए गए हैं। आने वाले समय में जैसे ही ये फैसले हमारे पास आते हैं उसके लिए धरातल पर उतारने के लिए जो जो भी कार्य करने की जरूरत है, जो भी रणनीति बनाने की जरूरत है उस पर काम किया जाएगा। देखिए, पहले भी जब लॉकडाउन लगा था और उसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जिस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी ताकि उसको हम धरातल पर उतार सकें, और ऐसे में जब अब स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद करने की बात की जा रही है, ऐसे में हमारी कोशिश रहेगी कि स्कूलों का हम प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकें, और साथ ही हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो स्कूल के प्रबंधन हैं, जो इस तरह के शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन हैं, उनसे भी मेरा गुजारिश रहेगा कि 31 दिसंबर तक की कोई भी कोताही न बरती जाए और जो हमारे बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। नहीं देखिए, पहले भी जब लॉकडाउन लगा था तो हमारे बॉर्डर्स पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई थी और साथ ही हमारे जो नाके हैं वहाँ पर पुलिस का इंतजाम इस प्रकार से था कि कोई भी अंदर आने जाना बिना किसी वजह से आ जा नहीं सकता था। ऐसे में इसी प्रकार के प्रबंध आने वाले समय में किए जाएंगे ताकि जो लोग बिना मास्क के अंदर एंट्री कर रहे हैं उनको किस तरह से वापस भेजा जाए, क्या चालान किया जाए या किस प्रकार का जुर्माना लगाया जाए, जैसे भी सरकार का निर्णय होगा उसके हिसाब से आने वाले समय में जिला कांगड़ा में भी कार्रवाई होगी। नहीं, इसमें देखिए, अगर सरकार के द्वारा ये निर्णय हुआ है और रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक अगर हमें कर्फ्यू लगाना है तो इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, और जहाँ एसेंशियल सर्विसेज हैं या जैसे अभी शादियों की बात हो रही थी कि शादियाँ रात को लोग एक जिले से दूसरे जिले में भी जाते हैं, ऐसे में क्या सिस्टम होगा, किस प्रकार से परमिट्स मिलेंगे, क्या होगा, इसके बारे में रणनीति आज बनाई जाएगी। और इसी एवज में आज एसपी साहब और सीएमओ साहब के साथ आज थोड़ी देर में बैठक होने जा रही है और आने वाले समय में जो भी हमारा निर्णय होगा वो आपके साथ आपके माध्यम से साझा किया जाएगा। देखिए, कांगड़ा जिला में लगभग 4,350 के आसपास केसेज आ चुके हैं और 102 डेथ्स हो चुकी हैं। लगातार हर दिन अगर आप आंकड़े देखें तो 50 से 100 के बीच में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। लगभग 15,000 से 16,000 के आसपास हम टेस्टिंग कर रहे हैं। ऐसे में जो आंकड़े हैं नीचे की तरफ नहीं जा रहे हैं। जो सेकेंड वेव जिसकी हम बात कर रहे थे वो जिले में चला हुआ है और ठंडी में आमतौर पर भी लोगों को शिकायतें रहती हैं, तो ऐसे में जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और मेरी बार बार लोगों से गुजारिश है कि लोग अपना बहुत ख्याल रखें और साथ में जो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हैं उसको इन टोटो फॉलो करें। तो इसमें हर पहलू पर विचार किया जाएगा और हर पहलू पर एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी को ढील देने की ज़रूरत थी और खोलने की ज़रूरत थी, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें चल पड़ी थी। अब जैसा कि मामले बढ़े हैं और सरकार द्वारा फैसला किया गया तो आने वाले समय में बाजारों की भी रूटीन चेकअप हो गए और जो हमारी शादियाँ हैं उनको भी हम चेक करेंगे और आने वाले समय में हम इंश्योर करेंगे कि जो इस प्रकार की गाइडलाइन आई है और जो कर्फ्यू की गाइडलाइंस आने वाली हैं उसको हम किस तरह से धरातल पर उतार सकते हैं उसके लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा।